हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड एरिया अंडर द कर्व। लास्ट के लेक्चर्स में हमने आपको डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं और उन्हीं शॉर्टकट ट्रिक्स पर डिपेंड आज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में गिवन है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आज हमने सिलेक्ट किए हुए हैं ये एज इट इज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन टाइम। अगर इसको प्रॉपर मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो ये टाइम टेकिंग होते हैं और मैक्सिमम टाइम ये कंज्यूम करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे और ऐसी शॉर्ट ट्रिक से कि आप क्वेश्चन को हार्डली 30 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो उसी ट्रिक्स का यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला। पैराबोला आपका गिवन है y इज इक्वल टू 3x² / 4 एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है। यहां पर लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x - 2y + 12 = 0। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है। जस्ट वेट, पैराबोला आपका गिवन है y = 3x² / 4। y = 3x² / 4, लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x - 2y + 12 = 0। इनके बीच का जो रीजन होगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें, पहले तो हमारा काम ये होगा कि पैराबोला आपका किस टाइप का है, तो इसको प्रॉपर पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3x² = 4y एंड x² = 4/3y। ये हो गया आपका पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला में ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। इसको कंपेयर कराएंगे तो x² = 4by से कंपेयर कराएंगे तो यहां से आपको 4b की वैल्यू मिलेगी 4/3। 4b की वैल्यू मिलेगी 1/3, ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू आएगी 1/3। नाउ हम लोग लाइन को देखते हैं। लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x - 2y + 12 = 0। अब इसको स्टैंडर्ड लाइन के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2y = 3x + 12। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे तो y = हो जाएगा आपका 3/2 × x। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो मिलेगा आपको 6। नाउ वी चेंज, अब इसको कंपेयर करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब इसको कंपेयर कराएंगे y = mx + c से कंपेयर कराएंगे तो यहां से आपको m की वैल्यू मिलेगी 3/2। आपको मालूम है कि पैराबोला और लाइन के बीच का जो रीजन होता है उसको लिए कौन सी ट्रिक का यूज करते हैं, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये जो आपका जो पैराबोला गिवन है वो गिवन है x² = 4by, दैट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस बनेगा, दैट मीन्स ऐसे कुछ बनेगा दिस टाइम। इसके बाद आपकी जो लाइन गिवन है y = 3/2x + 6, वो जो लाइन है वो कुछ इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से पास होगी, मतलब एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है ये, मतलब लाइक ऐसे ही आपका डायग्राम बनेगा। तो ये आपको रीजन, ये जो सेटेड रीजन होगा इस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताई हुई है और वो ट्रिक है आपकी area = 72b² m³। area = 72b² m³। अब यहां से आपको b और m की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू 1/3 है
और m की वैल्यू 3/2 है। इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो ये मिलेगा आपको 72 इंटू b की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर इंटू m की वैल्यू है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब, और एरिया है तो यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो 72 इंटू ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 27/2 का क्यूब 8 स्क्वायर यूनिट। नाउ वी सिंप्लीफाई, 9 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 72, तो ये 72 से आपका 72 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 27 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका आंसर। अगर इसको आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो पहले लाइन और जो आपका पैराबोला गिवन है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, दैट मींस यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन आपकी यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, इसके बाद लिमिट को कंसीडर करेंगे, इसके बाद लाइन का एरिया फाइंड करेंगे, लाइन के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है, लाइन के द्वारा एरिया कौन सा कवर होगा देखें ध्यान से, लाइन के द्वारा जो एरिया कवर हुआ ये पूरा वाला लाइन के द्वारा एरिया कवर होगा, पैराबोला के द्वारा जो रीजन कवर होगा वो ये वाला कवर होगा, तो पूरे से अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकलेगा, मतलब टाइम टेकिंग है, एटलीस्ट 5 मिनट तो लगने हैं आपको, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो जब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको 1 मिनट में आप इसका आंसर बता सकते हैं। नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गिवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट मीन्स ये आपका एक पैराबोला गिवन है एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 ये आपका गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है उस डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, या इसका जो प्रॉपर मेथड है आप उस प्रॉपर मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आई थिंक इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिक से, ज्यादा बेटर रहेगा। और ट्रिक क्या होती है, अगर आपका पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 by, या फिर गिवन है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ax, किसी भी टाइप का गिवन है कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर, और लाइन की इक्वेशन आपकी गिवन है वाई इज इक्वल टू 4, या यहां पर हम ले सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर लिया हमने ए। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है 8/3 इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब ये जो आपका ए स्क्वायर आ रहा है ये ए कहां से लाएंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है इस लाइन की इक्वेशन से जो हमारा ए होगा उसको यूज करना होगा यहाँ, तो देखेंगे इस अकॉर्डिंग इसके क्या मिलेगा आपको, ए इज इक्वल टू 8/3, अगर इसको कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू ए से तो यहां से आपको a की वैल्यू मिलेगी 4, और इस a की वैल्यू 4 को हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यूनिट, 8/3, 4 का स्क्वायर होता है 16 स्क्वायर यूनिट, 16 एट जा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 6 जा होता है 48, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 3 स्क्वायर यूनिट। अगर इसको प्रॉपर मेथड से करना है तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाना होगा, उसको भी देख लेते हैं। यहां पर जो पैराबोला आपका गिवन है वो गिवन है x square is equal to y, that means ये होगा आपका सिमेट्रिक टू y एक्सिस लाइक दैट, ये हो गया आपका x square is equal to y, ये सिमेट्रिक टू y एक्सिस होगा। इसके बाद लाइन गिवन है आपकी y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 का मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो एक y एक्सिस पर 4 यूनिट की डिस्टेंस कवर करती है, ऐसे बनेगा आपको, ये हो गया y इज इक्वल टू 4। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब पैराबोला और जो लाइन है ये जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है,
उन पॉइंट्स के इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपका ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी। इनके लिए क्या करेंगे, अगर वाई की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करें, देखो ध्यान से, पैराबोला आपका गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहां पर वाई की वैल्यू अगर यूज करें 4, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2, एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2। उसका रीजन है कि जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है वहां पर हमारा एक्स पॉजिटिव रहेगा और सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स आपका निगेटिव रहेगा। तो जब हम लोग इनके पॉइंट्स को पुट करेंगे तो यहां पर पॉइंट हो जाएंगे 2, 4 और इधर पॉइंट हो जाएंगे 2, -4। इसके बाद क्या करना होगा, इसको एक्स एक्सिस से टच करा देंगे ऐसे। ये जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा आपका एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ होगी वो आएगी 2 यूनिट, दैट मीन्स ये जो होगी आपकी ये होगी 2 यूनिट, सॉरी एक मिनट, ये जो आपका होगा ये होगा आपका एक्स एक्सिस, इतना होगा आपका ये 2 यूनिट, टोटल हो जाएगा 4 यूनिट, और ये वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये है हमारे पास 4। दैट मीन्स ये जो आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल जो क्वाड्रेंट है ये आपका बनेगा स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी 4 है और इसकी ब्रेथ भी 4 है, तो ये बनेगा स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया से ये आपका बनेगा स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर के एरिया होगा 16 से माइनस करेंगे ये जो हमारा पैराबोला होगा ये वाला रीजन होगा, इसको माइनस कर देंगे, ये वाला आपको रीजन फाइंड करना है, ये वाला माइनस करना पड़ेगा आपको, ये वाला रीजन आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जब रीजन माइनस करेंगे तो आपको ये जो अंदर वाला सेंटर्ड रीजन है इसका एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये काफी लेंथी होगा, टाइम टेकिंग होगा, और हमें सॉल्व करना है इसको कम से कम टाइम में, तो बेटर है कि आप इस ट्रिक का यूज करें, 8/3 इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ए जो होती है वो लाइन से मिलती है, जो भी लाइन की इक्वेशन गिवन होती है उसको कंपेयर कराते हैं वाई इज इक्वल टू ए से, तो वहां से आपको ए की वैल्यू मिलेगी, उस ए की वैल्यू को यूज करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर मेथड से, लेकिन कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखें, डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको ट्रिक याद नहीं आ रही है कि हम यहाँ पर कौन सी ट्रिक का यूज करें, तो आप उस टाइम प्रॉपर मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड का यूज तभी कर सकते हैं जब आपका उसको जब उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रॉपर मेथड क्या होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बेटर है कि आप प्रॉपर मेथड भी सीखें और साथ में उसकी ट्रिक भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज गिवन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, दो कर्व गिवन है, एक गिवन है वाई इज इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड कर्व इज गिवन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक कर्व आपका गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड कर्व इज गिवन जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इन दोनों कर्व के बीच का जो रीजन होगा उस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो पहले तो ये है कि इसका डायग्राम कैसे बनाया जाए, तो डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता है इनमें, तो इनका जो डायग्राम होता है वो आपको आपके माइंड में रहना चाहिए हमेशा से। देखिए ये गिवन है आपका वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये है हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स जो हमारा होता है ये होता है वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब ये जो गिवन है ये आपका एक पैराबोला है, और ये जो पैराबोला है ये होगा आपका सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक तो पैराबोला ये हो गया आपका, ये आपका ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। दूसरा कर्व गिवन है वाई इज इक्वल टू
एक्स क्यूब, ये सेकेंड कर्व गिवन है। अब इस कर्व का डायग्राम कैसे बनेगा, इसके लिए डायग्राम हम बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इन दोनों के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है, सॉरी रीजन कवर हो रहा है, उस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो कौन सा रीजन कवर हो रहा है, वो आपका ये रीजन होगा, इस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। यहां पर कोऑर्डिनेट हो गया 0.0, क्योंकि हमारा ये ओरिजिन से पास होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया, ये दोनों हमारे ओरिजिन से पास होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, जब यहां पर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, दैट मीन्स x और y दोनों कैसे होंगे, हमारे 0-0 होंगे। यहां पर पुट करेंगे तो यहां पर भी अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, या y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, दैट मीन्स जो आपके कर्व है वो ओरिजिन से पास होंगे। तो वन कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया 0.0। जो सेकेंड पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम ए, ए जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमको नहीं मालूम है, तो इसके लिए हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तब आपको ए के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो, ध्यान से, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल है, दैट मीन्स दोनों के राइट हैंड को भी इक्वल करा देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा आपको एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी और वन मिलेगी, एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी और वन मिलेगी। जब एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो y आपको जीरो मिल जाएगा ऑलरेडी हमारे पास, x की जो वैल्यू वन लेंगे और यहां पर पुट करें चाहे यहां पुट करें तो आपको y की वैल्यू वन मिलेगी, दैट मीन्स एट x इक्वल टू वन y इज इक्वल टू वन। तो इस जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1.1। अब इसको हम कराएंगे प्रॉपर मेथड से, इसको कराएंगे इंटीग्रेट। आप ध्यान दें इसको हम ऐसे मिला सकते हैं ऐसे, तो आपको ये वाला रीजन फाइंड करना है। पैरा ये जो वाला रीजन है ये पैराबोला के द्वारा कवर हो रहा है, तो पैराबोला के रीजन से अगर हम लाइन के द्वारा जो रीजन कवर हो रहा है उसको माइनस करेंगे तो आपका जो शेडेड रीजन है वो निकल आए। तो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू, अच्छा इसकी इसको जब इंटीग्रेट कराएंगे तो इंटीग्रेट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस कंडीशन में आपको जो लिमिट लेके चलना होगा वो लिमिट लेके चलना होगा एक्स एक्सिस वाली, दैट मीन्स एक्स यहाँ पर जीरो है और कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जीरो और वाई एक्स की वैल्यू वन, तो लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 to 1। अब माइनस करना है तो माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू पावर अपॉन 4 और लिमिट गिवन है 0 to 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट का यूज करेंगे माइनस देन लोअर लिमिट का यूज करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा 1/3 माइनस 1/4। लोअर लिमिट यूज करेंगे तो लोअर लिमिट गिवन है आपके 0 और उस 0 का जब यूज करेंगे तो दोनों टर्म हमारे नेगेटिव 0 हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12 और जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/12 स्क्वायर यूनिट, ये होगा आपका इसका फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन गिवन है आपकी y इज इक्वल टू mx, इन दोनों के बीच का आपको एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स पैराबोला और लाइन की इक्वेशन गिवन है
इन दोनों के बीच का आपको जो रीजन होगा उसका एरिया फाइंड करना है। इसका डायग्राम देख सकते हैं, सॉरी गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, तो ये हमारा बनेगा सिमेट्री टू एक्स एक्सिस, सिमेट्री टू एक्स एक्सिस, दिस इज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स, और जो लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स है वो श्योर है कि आपकी लाइन ओरिजिन से पास होगी। क्या कर सकते हैं आप, जब यहां पर आप x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपको y मिलेगा जीरो, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कॉमा जीरो, दैट मीन्स लाइन आपकी ओरिजिन से पास होगी, और जब लाइन ओरिजिन से पास होगी तो कुछ इस तरह से पास होगी। ये आपका गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये जो आपका शेडेड रीजन है इस शेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड कर रहा है, फाइंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx, तो डायग्राम आपका ये बनेगा। इसके लिए फोर ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 8a स्क्वायर अपॉन 5m क्यूब, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, थर्ड ऑप्शन इज गिवन 4a स्क्वायर अपॉन में 5m क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन इज गिवन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, फोर ऑप्शन इज गिवन। तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पैराबोला गिवन है वो किसी भी एक्सिस के सिमेट्रिक दे रखा हो और लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में अगर गिवन है, तो इस टाइप के कर्व के बीच का जो एरिया होता है उसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमने आपको बताया था वो होता है 8 अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, 8 अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, या इसको लिख सकते हैं 8 ए स्क्वायर अपॉन में 3 एम क्यूब। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पुट किया गया एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पुट किया गया है आपके एग्जाम में, तो अगर आपको ट्रिक याद है तभी आप टिक कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलत करके आएंगे। तो आप ऑप्शन को मैच करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 8a स्क्वायर अपॉन 5m क्यूब, सेकंड ऑप्शन इज गिवन 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, फोर्थ ऑप्शन इज गिवन 4a स्क्वायर अपॉन 5m क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन इज गिवन नन ऑफ दिस। तो चेक करेंगे 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब के अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा वो आपका एक राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एरिया इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोला, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोलास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहां पर 4ay भी हो सकता है या 4by भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर a हमारा रिप्लेस हो सकता है b से, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, यहाँ पर a होगा और यहाँ पर b होगा, दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। तो इनके बीच का जो इंक्लूडेड एरिया है उस सॉरी इंक्लूडेड जो रीजन होगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इसके भी फोर ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 8a स्क्वायर अपॉन 3, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन 16a स्क्वायर अपॉन 3, थर्ड ऑप्शन इज गिवन 32 एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन नन ऑफ दिस। तो पहले इसका हम डायरेक्ट जो डायग्राम है उसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट मींस ये जो आपका पैराबोला है ये होगा आपका सिमेट्रिक टू x एक्सिस, सिमेट्रिक टू x एक्सिस, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका है सिमेट्रिक टू x एक्सिस। सेकेंड पैराबोला गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay गिवन है, दैट मींस ये बनेगा आपका सिमेट्रिक टू y एक्सिस, तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये हो गया आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा दैट मीन्स कॉमन रीजन क्या होगा, ये वाला कॉमन रीजन होगा। इस कॉमन रीजन का जब आपको एरिया फाइंड करना होगा तो
दो तरीके हैं, एक जो प्रॉपर मेथड होता है उसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर मेथड में जो प्रॉपर मेथड होता है वो आपका होता है टाइम टेकिंग। तो अगर आपको टाइम अपना सेव करना है, बचाना है, तो आप प्रॉपर मेथड से नहीं जाएंगे, तो आपको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। और ट्रिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप क्वेश्चन देख करके आंसर दे सकते हैं। अगर प्रॉपर मेथड पे बात करते हैं, प्रॉपर मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। देखिए दोनों आपके कर्व ओरिजिन से पास होंगे, तो एक तो कोऑर्डिनेट आपका 0.0 हो गया। दूसरा जो पॉइंट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके लिए आपको दोनों पैराबोलास को सॉल्व करना पड़ेगा और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी उसको आप पुट करेंगे, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है या विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है, जैसे भी करना है दोनों से आपका आंसर आएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे तो लिमिट हम लेंगे एक्स वाली, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको इंटीग्रेट करना है दैट मीन्स आपको लिमिट लेनी होगी जीरो से वाई वाली। अब आते हैं ट्रिक पर, ट्रिक क्या होती है इसकी, एरिया इज इक्वल टू, अगर दो पैराबोला गिवन है और दोनों पैराबोलास के बीच का जो इंक्लूडेड रीजन है उसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, एरिया ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई टोटल अपॉन में 3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन में 3। अब देखो क्या करना है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को चेक करें तो फर्स्ट वाले पैराबोला से एक्स का कोएफिशिएंट होगा 4a, तो यहां से मिलेगा 4a इनटू लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो सेकेंड वाले पैराबोला से अगर कंपेयर कराएंगे तो वाई का कोएफिशिएंट मिलेगा 4a, तो हो जाएगा 4a और टोटल अपॉन में 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 16/3 इनटू ए स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। दैट मींस जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, फर्स्ट पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और सेकेंड पैराबोला अगर गिवन होगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, अगर यहां पर ए की जगह पर बी कर देंगे तो आपका जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको देखना है एक्स का कोएफिशिएंट दैट मींस 4a इनटू वाई का कोएफिशिएंट दैट मींस 4b, तो जब 4a इनटू 4b करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16ab अपॉन में 3, वहां पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा 16ab अपॉन में 3। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे रिलेटेड टू ट्रिक्स थे एरिया अंडर द कर्व। इन्हीं क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर आप प्रॉपर मेथड को प्रेफर कर रहे हैं तो प्रॉपर मेथड भी आपके लिए यूजफुल होगा कि आप जब ट्रिक भूल गए हैं तो आप उस प्रॉपर मेथड से, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि अगर आप ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो। दूसरा ये है कि सभी क्वेश्चंस ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकते हैं, सभी क्वेश्चंस के लिए ट्रिक नहीं होती है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस या जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं या उनका जो फॉर्मेट सिलेक्टेड होता है उन्हीं पर ट्रिक का यूज होता है। अगर क्वेश्चन आपका चेंज हो गया तो आप ट्रिक के चक्कर में बने रहेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा। इसलिए आपका प्रॉपर मेथड भी क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको आपको प्रॉपर मेथड नहीं आता है तो प्रॉपर मेथड क्लियर करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एरिया अंडर द कर्व का जो प्रॉपर मेथड है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। साथ में आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को पुश करें, और जब पुश करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसमें जो टॉप वाला ऑप्शन होगा ऑल, उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो नए वीडियो हम अपडेट करते हैं तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।